ये हमारा ऑप्टिक्स वन यूनिट थ्री इंटरफेरेंस का लेक्चर फाइव है और आज इसमें हम पढ़ाएंगे कि लॉयड मिरर क्या है और ये इसका एप्लीकेशन क्या है। और पेपर बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम चलते हैं। लॉयड मिरर एक्चुअली लॉयड एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस मिरर को बनाया था। और ये एक प्लेन मिरर है जिसका डायमेंशन 30 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर का है, यानी 30 सेंटीमीटर लेंथ में है और 6 सेंटीमीटर ये ब्रेथ में है। और ये बना हुआ कैसे होता है, एंड इट कंसिस्ट ए हाईली पॉलिश्ड प्लेन मिरर। ये हाईली पॉलिश्ड प्लेन मिरर की तरह होता है, इसका नाम हमने फिगर में देखेंगे तो M1 M2 है। और फ्रंट साइड से एंड बैक साइड से इसका सरफेस ब्लैक पॉलिश्ड होता है। और किसकी ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन को अवॉइड किया जा सके। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ, इससे हम वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं इंटरफेरेंस फेनोमेना का यूज़ करके। ठीक है, ये एक लैड मिरर के बारे में हो गया कि भाई ये क्या है और इससे हम अब कैसे वेवलेंथ निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है। तो ऑलमोस्ट ये पूरा आर्टिकल थियोरिटिकल थियोरिटिकल ही है, इसमें डेरिवेशन या इस तरह का बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक बार इस डायग्राम को समझेंगे। तो ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है एस। ठीक है, ये जब ये एक थिन स्लिट है, इसमें से लाइट आकर के हमारी एक लाइट मिरर के अलग अलग दोनों पॉइंट्स पर फॉल कर रही है। मान लीजिए पहले M1 पॉइंट पर फॉल कर रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के और ये सीधा E पॉइंट की तरफ जा रही है। दूसरा, जब हमारी M2 पॉइंट पर रिफ्लेक्ट कर रही है, सॉरी टकरा रही है, तो फिर ये रिफ्लेक्ट कर रही है F पॉइंट के लिए। ठीक है, और इन दोनों रिफ्लेक्शंस के बीच में जो एरिया हमारा कवर होगा, इस यहाँ पर हमारी फ्रिंजेस बना दिखाई देंगी। ठीक है, और ये हमारा स्क्रीन है जहाँ पर हम देख रहे हैं, और ये एक्स डैश वाई डैश स्क्रीन है। हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं आगे पीछे, ये इस तरह से स्टैंड, अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो इस तरह से अलग अलग स्टैंड पर शिफ्ट है, जिसको हम एक्स वाई पोजीशन से एक्स डैश वाई डैश पोजीशन पर शिफ्ट कर सकते हैं। और एक यहाँ पर एस से सोर्स से और स्क्रीन का डिस्टेंस है वो डी है। दूसरा, अगर जब हमारी इंसिडेंट लाइट है ये वाली और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और इसको डॉट डॉट करके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, तो ये मान लीजिए कि इधर जा रही है और दूसरी जो हमारी M2 से रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी अगर बैक में जा रही है, तो इस एक पॉइंट पर जाकर जाकर के मिल रही हैं जिसको हम S1 बोलते हैं। और इस मिरर के हिसाब से ये ऐसे लगता है कि ये इमेजिनरी पॉइंट है, कि ये सोर्स ऑफ लाइट इधर से आ रही है जब हम इन दोनों पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों S और S1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। ठीक है, ये इसके ये और ये ऑप्टिकल एक्सिस हम जो ये ओ है, और यहीं से हम इनको बनाएंगे किस तरह की फ्रिंजेस बनेंगी। तो इसका कंसिडरेशन है, यही सब आपने इसे कंसिडरेशन में लिख करके आना है। लेट अस कंसिडर एस इज ए सोर्स ऑफ लाइट इल्यूमिनेटेड बाई ए मोनोक्रोमेटिक लाइट प्लेस्ड विद इन इट्स लेंथ पैरेलल टू द ब्रेथ ऑफ द मिरर एंड सरफेस एज शोन इन फिगर। यानी जो सोर्स है वो इस तरह से रखा हुआ है, इसके मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जो इसकी लेंथ के पैरेलल है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये डायग्राम आपने बना के आना है, इसमें ये इसके बारे में और डिटेल में है। लाइट फ्रॉम द सोर्स एस फॉल्स ऑन द मिरर एट ग्रेजिंग इंसिडेंट, यानी इस तरह से ये पड़ रही है इस पर, सो दैट द एंटायर इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड। ये इस तरह से पड़ रही है कि टोटल लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द वर्चुअल सोर्स, यानी हम फिर हमें वो इस तरह से दिखाई दे रही है कि वो वर्चुअल सोर्स S1 की तरफ से आ रही है। द सोर्स एस एंड S1 एक्ट एज टू कोहरेंट सोर्सेस। द वेव फ्रॉम दीज टू सोर्स सुपर इम्पोज ईच अदर एंड इंटरफ्रेंस फ्रेंजेस आर ऑब्टेन इन द रीजन EF, यानी जब ये दोनों पर पड़ेंगे और यहाँ पर EF ये सुपर इम्पोज की तरह दिखाई देगा। द फ्रिंजेज आर इक्वली स्पेस्ड एंड आर ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप, और जो यहाँ पर इमेज बनेंगी उनको हम फिर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो ये सब इसका थ्योरेटिकल डायरी वो ही है कि इस कंसिडरेशन टाइप लिखना है।
उसके बाद हम आगे चलते हैं। द सेंट्रल फ्रिंज इज ऑब्टेंड एट पॉइंट ओ, यानी जो सेंट्रल फ्रिंज है डायरेक्ट पॉइंट ओ पर ऑन द बनती है, वेयर द ज्योमेट्रिक पाथ डिफरेंस इज जीरो, यानी जब इन दोनों का ज्योमेट्रिक पाथ डिफरेंस आएगा तो जीरो आएगा, दोनों एस वन और एस टू सोर्स के बात करेंगे तो। एट पॉइंट ओ लाइट रिसीव्ड ओनली फ्रॉम एस एंड नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रीच द पॉइंट ओ, ऐसा इसलिए है कि जो पॉइंट एस से लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्शन से नहीं है, वो डायरेक्ट में दिखाई दे रही है। देयर फॉर सेंट्रल फ्रिंज एट ओ पॉइंट इज नॉट अवेलेबल, इसलिए यहाँ पर हमें कोई भी इमेज नहीं दी गई, क्योंकि इस पोजीशन पर दोनों का रिफ्लेक्शन से कोई भी लाइंस नहीं मिल रही, कोई पोजीशन नहीं है यहाँ पर। आगे अभी केस है कि भाई कब हमें इसमें से देखेगा, तो है इफ द स्क्रीन इज शिफ्टेड इन द न्यू पोजीशन एक्स एक्स डैश, यानी ये स्क्रीन पहले यहाँ पर एक्स वाई पोजीशन पर थी और हम इसको शिफ्ट करते हैं ऐसे आगे की तरफ एक्स डैश वाई डैश पोजीशन पर, एक्स डैश वाई डैश पोजीशन पर, और ये पॉइंट एम टू पर जब ये शिफ्ट होकर के आ जाएगी, द सेंट्रल फ्रिंज एच एम टू इज फाउंड टू बी डार्क इंस्टीड ऑफ ब्राइट, और जब ये शिफ्ट होकर के आ जाएगी तो यहाँ पर डार्क फ्रिंज बन जाएगी, द सेंट्रल फ्रिंज एट एम टू इज फाउंड टू बी डार्क इंस्टीड ऑफ ब्राइट, दिस इज ड्यू टू द क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ओवर द ट्रफ ऑफ द अदर वेव, यानी जब हमने आपको इंटरफेरेंस पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि भाई डार्क फ्रिंज कब बनती है, डार्क फ्रिंज जब बनती है जब एक फ्रिंज का सॉरी एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पे टच करता है, और दूसरे यानी इनवर्सली अपोजिट में होते हैं, यानी एक का क्रफ दूसरे के ट्रफ को टकराएगा या को सुपर इम्पोज करेगा तो वो डार्क फ्रिंज दिखाई देगा, तो इस रीजन से ये हमारा जब एम टू पोजिशन पर आ जाते हैं तो ये हमें डार्क फ्रिंज बनती है, दैट इज, और इसको कैसे कह सकते हैं, ए पाथ डिफरेंस ऑफ पाई, और यहाँ पर ये कह सकते हैं हमें यहाँ पर एक पाई का पाथ डिफरेंस हो जाता है इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे में, यानी यहाँ पर ये तो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे की पोजीशन है दूसरे के केस में, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पाई का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, सिंस नो चेंज इन इंसिडेंट रे बट पाई चेंज इज फॉर्मड इन द पाथ सॉरी इन द फेस ऑफ द लाइट फ्रॉम एस वन, यानी एस वन के लाइट से जो इसमें चेंज आ रहा है वो कितना बन रहा है, ये पाई का फेस डिफरेंस आ रहा है। आगे जो हम जरा लिख करके आते हैं इसमें, द कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर चेंज्ड एंड आर गिवन बिलो, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो इक्वेशन बनती है पाथ डिफरेंस डेल्टा से नोट कर सकते हैं हम इसको, और एस वन पी माइनस एस टू पी, यानी एस वन से पी तक मूव करता है और एस पी से मूव करता है ये, और एस वन पी से जो मूव करता है तो ये पाथ डिफरेंस हमारा सॉरी हाँ एस वन पी माइनस एस पी डेल्टा नोट करेंगे तो ये बनेगा हमारा टू एन माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू, वेयर एन क्या है 1 2 3 4, इस तरह से ये हमारा एस वन पी माइनस एस टू पी यानी पाथ डिफरेंस आ जाएगा एक ब्राइट फ्रिंज के केस में। सेकेंड सिमिलरली डार्क फ्रिंज के केस में हमारा एस वन पी माइनस एस टू पी क्या हो जाएगा, एन लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पर भी एन 1 2 3 है और ये दोनों हमारे डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के पाथ डिफरेंस हो गए हैं। नाउ द फ्रिंज विड्थ भी हम इसमें सेम ऐसे ही निकालते हैं जैसे हम फ्रेसनल बाई प्रिज्म से निकालते हैं, सेम फॉर्मूला है बीटा इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, चीज़ें देखेंगे कि ये हैं क्या क्या, डी क्या है, डी जैसे यहाँ देख सकते हैं कैपिटल डी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है और स्मॉल डी है एस वन और एस के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, और लैम्डा जो हमारा इंसिडेंट सोर्स है उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, और फिर इस तरह से हम इसका बीटा फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं यहाँ से। थैंक यू, आज का लेक्चर आपका ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, थैंक यू सो मच।